Morning for you. मॉर्निंग सो इट्स नॉट अ गुड मॉर्निंग बाय द वे। ये अभी के शाम के 4 बज रहे और मैं और मेरे सारे दोस्त मिलके अभी जा रहे घूमने, जो कि ना वाके पार्क। और कैसे जाना होता है, क्या क्या करते हैं, सब कुछ इसी ब्लॉग में मिलेगा। भाई देखो अभी का जो टाइम है बिल्कुल 4:15 बज रहा है। 31 मई। सो अभी शायद दोस्त है वो लोग ईशानी मेट्रो में वेट कर रहे हैं और मेरे कुछ दोस्त जो हॉस्टल से आने वाले हैं वो लोग अभी तक रेडी नहीं हुए, तो मैं पहले निकल गया हूँ। जाके कुछ उनसे बात करता हूँ। इधर अभी तक तो ठीक ठाक ही लग रहा है, थोड़ा धूप है, कभी बादल है, मगर बारिश नहीं होनी चाहिए। बाय द वे मैंने बैग रख लिया है और बैग में छाता भी रख लिया है इन इमरजेंसी, तो ये काम आ जाएगा। और सनी मेट्रो भी बहुत दूर है। चूँकि हम लोग रुस्तावेली, तो रुस्तावेली से अब जाना है वाके पार्क। लोकेशन तो बता ही चुका हूँ, जाना है टर्टल लेक। और टर्टल लेक या फिर बोल सकते हो वाके पार्क। अब वहाँ पे जाके पता चलेगा कि टर्टल लेक है या वाके पार्क है। वैसे हम लोग अभी जो वेट कर रहे हैं ये है बस के लिए, वेट कर रहे हैं हम लोग। अगर बस आ जाती है फिर हम लोग चलते हैं। बस हमारी मंजिल तक पहुँचा चुके हैं। अभी हम लोगों को लेफ़्ट या राइट जाना है ये देखना है। और उससे पहले ये भी देखना है, ऋत्विक और इक्तदार भाई वो पीछे रह गए, तो इनके लिए अभी वेट चल रहा है। अभी टर्टल लेक के पास, जो कि अगर टर्टल लेक जाना है तो ऊपर जाना पड़ेगा, अगर पार्क घूमना है तो नीचे है। वाके पार्क और टर्टल लेक एक ही जगह पे। और तो बिल्डिंग क्या खूबसूरत लगी है, वाह। किसी ने बोला कि ऊपर जाना है और ऊपर जाने के लिए कार्ड टैप करना पड़ेगा। बीओजी का कार्ड है, हमारे स्टूडेंट कार्ड, उस पर 1 लारी है, सिर्फ 1 लारी। और ये रोपवे हमें ऊपर तक ले जाएगा। और इस पे जो मैक्सिमम लोग वो है 10 लोग आ सकते हैं, तो हम लोग जो 10 लोग ही थे, 10 लोग आ चुके हैं। और ये जो बंदा था ये बोल रहा था कि हमें तुम लोग इंडिया से हो ये वो, हमारे पास बहुत इंडियन टूरिस्ट आते हैं, हम लोग रोज़ ऊपर ले जाते हैं। और वो लिटरली ऊपर ही जगह, मतलब बहुत सही जगह था। अब चल पड़िए, देख सकते हो किसी के छत के ऊपर से, और लेफ़्ट साइड बिल्डिंग है, राइट साइड बिल्डिंग है, कुछ पेड़ के ऊपर से। ऐसे जो नज़ारा था, शुरू में तो बहुत ही स्लो था, बहुत ही स्लो, फिर धीरे 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 स्पीड लिया। फिर भी मेरे को थ्रिलिंग नहीं लगा, क्योंकि अगर तेज़ चलता है ना तो अंदर से एक थ्रिल आता है। मगर इतने में मेरे जितने भी दोस्त थे वो लोग थोड़ा डरने लगे, बोल रहे अगर ये रोप अगर टूट गया, क्योंकि 1 लारी का उनका भरोसा ये था। अगर कोई महंगी चीज़ है तो बहुत अच्छे से जाती है, अगर कोई सस्ती चीज़ है तो उस पर मेंटेनेंस ढंग से नहीं होता होगा या कुछ भी नहीं होता होगा, तो उस हिसाब से वो लोग अपना देख रहे थे। मगर मैंने बोला कि देखो अगर होगा कुछ भी 10 लोग एक साथ जाएंगे, अगर कुछ नहीं होगा तो किसी को कुछ नहीं होगा, चिल करो। तो हम लोग चिल करते हुए, मैं सबका मतलब शांत कर रहा था। वैसे वॉइस मैंने ऑफ कर रखा है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। ऊपर है तो ऊपर के साइड तो हवा चलती ही रहती है और उसने वॉइस सबका आ नहीं पाया, तो इसलिए मैंने ऑफ कर दिया। और आपको व्यू दिखा रहा हूँ, वो जो सामने एंड पॉइंट है वो माउंटेन दिख रहा है, वहाँ तक हमें ये लेके जाएगा। मगर अभी स्पीड थोड़ा सा स्लो है, मैं इसको स्पीड दे देता हूँ और थोड़ा सा ट्यून अप कर देते हैं। अब देखो यहाँ से अब मैं दिखाता हूँ आपको एक व्यू दिख रहा है, वो रेड कलर का वो है फुटबॉल स्टेडियम। और जो सामने देख रहे हो वो था एक स्टैचू टाइप का, नाम हमें नहीं पता था लिटरली। तो आगे देखो, ये ऊपर से जब बिल्कुल ऊपर हम लोग ऑलमोस्ट आ चुके थे तो व्यू कुछ ऐसे दिखता है। बिल्डिंग सारे छोटे छोटे दिखते हैं, फुटबॉल ग्राउंड जो है वो भी देख सकते हो कित्तू सा दिखता है। और नीचे रोड भी है, अब बाई कार भी आ सकते हो। अगर कोई यहाँ पे जॉर्जिया में रहता है तो वो बाई कार भी वाके पार्क या फिर बोल सकते हो टर्टल लेक आ सकते हैं। कैब भी ऊपर तक आती है, मगर हम लोगों ने रोपवे चूज़ किया क्योंकि ये 1 लारी का था। फाइनली हम लोग ऊपर तो आ चुके हैं और ऊपर आने के बाद यहाँ का व्यू देखते देखते हमारे फ़ोन का ऐसा मन ही नहीं कर रहा। हम लोग लग रहे वीडियो बनाते ही जाऊँ इतने सारे लोग, और सब के सब अपने फ़ोन लेके सब वीडियो बनाने लग गए, कोई स्नैप बनाने लग गया सब कोई आ रहे देखो। इतना मनमोहित व्यू देखने के बाद हम लोग आग चले हैं थोड़ा सा नीचे। यह है इंटेलिजेंसिया कॉफ़ी बार, तो हम लोग नीचे जा रहे हैं, वहाँ पे भी जाके दिखाते हैं। और कितना प्यारा क्यूटी डॉगी था। और ये है वो लेक, जो लेक है टर्टल लेक। और टर्टल लेक क्यों नाम पड़ा है वो भी मैं आपको बताऊँगा, मगर अभी नहीं बता सकता क्योंकि ऊपर जाने के बाद, अभी तो मैंने बस शुरुआत की है। और जब मैं पूरा ऊपर पूरा एक्सप्लोर कर लूँगा उसके बाद ही आपको बताऊँगा कि इसका नाम यही क्यों है। नीचे है बिल्कुल लेक के पास, और लेक कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ से नीचे से। वाह, फोटो भी बहुत खूबसूरत आ रही है। जो लोग मेरे ब्लॉग रोज देखते हैं उनको पता होगा मैं कितना बड़ा डॉग लवर हूँ, और मैंने इस वाले कुत्ते से भी मैंने शेखंड करवा लिया। बताओ, ये कहीं पराये देश में इंग्लिश आती है नहीं आती ये नहीं पता, बस इसको शायद मेरे को जो लग रहा था भूख लगी है, क्योंकि ये देखो हिचकी आई जा रही थी। हम लोगों ने इसको, जो हमारे पास था चिप्स वगैरह थे वो हमने दिया, फिर इसने नहीं खाया। फिर किसी ने बोला कि ये डॉग फूड के अलावा कुछ नहीं खाते ही नहीं है। और देखो ये इतना प्यारा था ना, ये आके ऐसे लेट गया, ऐसे ही लेटा रहा। और भाई देखो बच्चे आके, हमारे जो दोस्त थे वो लोग आके उनसे खेलने लगे। और कितना ट्रस्ट है, कुत्ते हमेशा जब दो पैर ऊपर कर देते ना उसका मतलब ये ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट हम पे दिखाया। आफ्टर दैट हम लोगों ने खेलने स्टार्ट कर दिया, मगर ये गेम था कि टच करते फ्रीज हो जाना है और किसी और को आके छुड़ाना है। और ये मेरे तरफ ही आ रहा है, अरे मुझे के भागना पड़ेगा। They are playing something like leg touching game. Anyway, we are so enjoying. यहाँ पे आए थे बोट का प्राइस पूछने, 18 आ रही बहुत ज़्यादा। जो मैं पहले बता चुका था कि टर्टल लेक नाम क्यों पड़ा है, इसीलिए टर्टल लेक नाम पड़ा है। जो आपके सामने देख रहे हो ये एक टर्टल शेप का बना हुआ है, और जिसके वजह से इसका नाम रखा गया है टर्टल लेक। ये एक स्टैचू है और इस स्टैचू की वजह से इसका नाम रखा गया टर्टल लेक। वैसे टर्टल शेप का कुछ भी नहीं था, इसका अब लौटने का समय हो चुका है। लौटते अपने नीचे चलते, और नीचे जाके क्या क्या होता है वो भी आपको दिखाता हूँ। अरे ब्लॉग खत्म नहीं हुआ है, एंड तक देखो ना। ये एंड हो रही है, अभी धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग अंदर। वैसे ये सारे वॉइस को मेरे को फिर से वॉइस ओवर देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छा वो लगा है इसमें। ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार आए हो तो, और अगर सेकंड टाइम आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और हो सके तो जितने अपने दोस्त हैं सबको शेयर कर दो। जॉर्जिया में ये लेक है। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग, एंड फिर से मिलते हैं। जय हिंद, बाय बाय।